हेलो दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वैकेंसी। दोस्तों, यह वैकेंसी पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से होने वाली है। दोस्तों, इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। और जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो आपको सर्च करना है पीजीआई चंडीगढ़। आप जैसे ही पीजीआई चंडीगढ़ सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट में आपको एक वेबसाइट ओपन होगी, pgi.pgimer.edu.in। इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पीजीआई चंडीगढ़ की मेन वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मेन पैनल में आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा। आपको यहाँ रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में रिक्रूटमेंट सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसके लिए आप अब स्टाफ नर्स के रिक्रूटमेंट के लिए आपको फर्स्ट सीरियल नंबर वन में ही आपको यह मिल जाएगा, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर नर्स फॉर द प्रोजेक्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी PGI MER। इस वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर ये वैकेंसी आप देख रहे हैं, ये वैकेंसी एक्टिव मोड में है, स्टेटस इसका एक्टिव है। इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस जगह पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, ये नोटिफिकेशन आप जो डिस्प्ले में देख रहे हैं, ये है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी, एडवर्टाइजमेंट पोस्ट ऑफ द जूनियर नर्स। ये जो पोस्ट है ये जूनियर नर्स की पोस्ट होने वाली है। उसकी टाइप ऑफ वर्क की रिक्वायर वर्कर्स रिक्वायरमेंट है, जो डेजिग्नेशन है ये जूनियर नर्स हो ही गया। उसके साथ में ही आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको GNM और BSc दोनों ही कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका ये है MSc नर्सिंग। एज लिमिट की यदि हम बात करते हैं तो एज लिमिट इसकी है less than 35 ईयर, 35 ईयर से कम के ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर हम आगे इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसी है इसकी 1, रेगुलर वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। और टेम्पोररी यस, और पे एंड अलाउंसेस एज पर रूल्स, जो आपके पे और अलाउंस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स फॉलो होता है वो कंप्लीट इसमें फॉलो होगा। आपको जो पेमेंट है आपकी, वही आपका 44,900 प्लस आपके जो भी अलाउंस हैं वो सब आपको मिलेंगे। प्लेस ऑफ वर्क में यदि देखते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। अब प्रोबेबल डेट बाई द विच वैकेंसी विल बी ज्वाइन इमीडिएट, आपके ये जो वैकेंसी की जो ज्वाइनिंग डेट है वो इमीडिएट है, आपके कंप्लीट होने के बाद में, सिलेक्शन होने के बाद में तुरंत ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और यदि लास्ट डेट की बात करें तो इसकी पार्टिकुलर्स रिगार्डिंग इंटरव्यू टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग बायोडाटा 18/10/2022। इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर से पहले पहले आपको अपना बायोडाटा सेंड कर देना है। प्लेस ऑफ इंटरव्यू है इसका room number 55, डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी, नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन ब्लॉक, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। आपका डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन विच एप्लीकेंट रिपोर्ट, आपको यहाँ डॉक्टर मधुमिता प्रेम कौर हैं, इनके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। और लास्ट में हम आपको जो बायोडाटा आपको कंप्लीट भेजना है और इसकी कैसे क्या प्रोसेस रहेगी वो भी देख लेते हैं। लास्ट इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड मेल ए कॉपी ऑफ बायोडाटा थ्रू द ईमेल hepatology.mkp@gmail.com बाई द 18/10/2022। 18 अक्टूबर से पहले पहले आपको यह आपको अपना बायोडाटा इस ईमेल पर भेज देना है जो अभी हमने
बताया है। कैंडिडेट शुड ऑल्सो ईमेल स्काइप आईडी मीटिंग आईडी विद द रिज्यूम। आपको क्या है कि आपकी स्काइप आईडी और जो है मीटिंग आईडी, जो भी जूम से मीटिंग है या जो भी आपके पास में आईडी है, वो अपनी आपको रिज्यूम के साथ में भेजनी है। क्योंकि जब आप इनको भेजोगे तो वो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू आपका स्काइप के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू आपका इंटरव्यू हो जाएगा। द टाइटल ऑफ रिज्यूम फाइल शुड बी हैव ए नेम ऑफ कैंडिडेट एंड मोबाइल नंबर। आपको रिज्यूम रिज्यूम फाइल में जो टाइटल होना चाहिए आपका नेम और मोबाइल नंबर। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ओनली 5 कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द सीवी एंड विल बी कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उसमें से जो 5 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, द डेट ऑफ एंड टाइम ऑफ द इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म बाई द मेल। और जो इसका इंटरव्यू होगा उसकी डेट और टाइम आपको मेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दी जाएगी। ऑल द कम्युनिकेशन विल बी डन थ्रू द मेल हार्ड कॉपी ऑफ द सेम इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको जो भी है आपके कम्युनिकेशन होंगे, जो भी आपके मेल के थ्रू होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन देनी होगी आपकी मेल आईडी पर आएगी। आपको कोई भी हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है और ना ही उधर से कोई भी हार्ड कॉपी या आपका लेटर, कोई जॉइनिंग लेटर है या आपका इंटरव्यू का लेटर है, वो आपका सब ईमेल पर आएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।